हंडिया विधानसभा सीट को बसपा का हाथ से कोई छीन के लेने वाला नहीं यार, कोई भी ताकत वहां जीत नहीं सके। बहन मायावती जी का रणनीति ये है, दलित का साथ ब्राह्मण और मुस्लिम का गठबंधन हो चुका है, और यहाँ का यादव ज्यादा से ज्यादा बहन मायावती जी को ज्यादा पसंद करते हैं। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉलिटिकल ताकत को दिखाने के लिए उम्मीदवार का चयन कर रहे हैं, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना कमर कस रहे हैं। बसपा उत्तर प्रदेश का नंबर वन पार्टी हो के उभर रहा है। हांडिया विधानसभा ऐसा एक विधानसभा है, ये जनरल सीट होता है। इस सीट पर वहां का प्रभारी और पूर्व एमएलसी डॉक्टर विजय प्रताप हांडिया विधानसभा का उम्मीदवार का नाम बहन मायावती जी का निर्देश अनुसार डिक्लेयर कर दिए हैं, यानी हांडिया विधानसभा सीट पर नरेंद्र त्रिपाठी उर्फ मुन्ना इस बार उम्मीदवार हो चुके हैं बसपा का। नरेंद्र त्रिपाठी उर्फ मुन्ना हांडिया विधानसभा में अपना दबदबा ज्यादा रखते हैं, उनका पकड़ ज्यादा मजबूत है, उनका सोशल संगठन ज्यादा ताकत रखता है और लोग हांडिया का लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इस सीट ऐसा एक सीट है, इस सीट पर कभी भी बीजेपी को जीत नहीं मिला। इस सीट पर कभी एसपी तो कभी बसपा, कभी समाजवादी पार्टी तो कभी बहुजन समाज पार्टी का कब्जा में आता है। लाखों कोशिश के बाद भी बीजेपी वालों को यहां कामयाबी नहीं हुआ था। मोदी लहर में भी यहां बीजेपी वाले हार चुके थे। साथियों, हांडिया विधानसभा ऐसा एक सीट है, इस सीट में हर वक्त बसपा का पकड़ मजबूत दिखाई देता है। जब भी बसपा यहां हारी है तो बहुत कम मार्जिन में हारती है, मतलब 2000-3000 वोट से हार। इस बार नरेंद्र त्रिपाठी उर्फ मुन्ना अपना संगठन का साथ बहन मायावती जी का दिशा निर्देश के अनुसार वो उनका मूवमेंट चला रहे हैं। बसपा का खेड़ जोश और उमंग का साथ दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि 2022 एक महासंग्राम है। हर हाल में मनुवादी का शासन को उखाड़ के फेंकना है और कानून का शासन प्रतिष्ठा करना है और भारत का संविधान को बचाना है। ये वार्ता बहुजन समाज में फैल चुका है, इसीलिए बहुजन समाज का धुरंधर अपना घर बार छोड़कर मैदान में आ चुके हैं। 2017 ऐसा एक वक्त था, 2017 मोदी का लहर इतना मजबूत था, हर जगह पर बीजेपी जीत रहे था, लेकिन हांडिया विधानसभा सीट पर बीजेपी हार चुका था और वहां हकीम लाल बसपा का कैंडिडेट अपना जीत अपना परचम वहां लहरा चुके थे और नीला झंडा वहां लहराया था। इस बार हांडिया विधानसभा सीट बसपा का हाथ से कोई छीन के लेने वाला नहीं था, कोई भी ताकत वहां जीत नहीं सकेगा, क्योंकि वहां बसपा का पदाधिकारी किला मजबूत करके बैठे हैं।
बसपा का वर्कर, लोगों का काम, लोगों का दुख सुख का साथी बनकर उभर रहे हैं। इसीलिए 2017 मोदी लहर में भी हकीम लाल जी ने नीला झंडा वहां लहराया था और जीत हासिल हुआ था। 1993 में हंडिया विधानसभा सीट चोखालाल यादव जी का जीत हुआ था बहुजन समाज पार्टी से। ऐसे ही 2012 में महेश नारायण सिंह का जीत मिला था बसपा, और 2017 में आपको मालूम है हकीम लाल ने इस सीट को बसपा का झोली में डाल दिया। वहां का मतदान के बारे में आप जानेंगे तो उस पर 1,00,000 से ज्यादा यादव वोटर है, 17,000 ब्राह्मण वोटर, 60,000 दलित मतदाता है, उसके साथ साथ 40,000 से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। यहाँ बहन मायावती जी का रणनीति ये है, दलित का साथ ब्राह्मण और मुस्लिम का गठबंधन हो चुका है, और यहाँ का यादव ज्यादा से ज्यादा बहन मायावती जी को ज्यादा पसंद करते हैं, और यादवों का वोट 80% बसपा का झोली में आता है। इसीलिए हांडिया विधानसभा बसपा का कब्जे में आ रहा है। इस बार भी बसपा को यहां कोई हराने वाला नहीं है। फिर भी बहन मायावती जी इस किला को, इस ताकत को और ये सीट को अपने हाथ में रखने के लिए उनका पदाधिकारियों कड़ी निर्देश दे चुके हैं। बसपा का कैडर, बसपा का पदाधिकारी बूथ कमेटी से लेकर सेक्टर कमेटी से लेकर विधानसभा कमेटी तक सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बसपा को जिताने के लिए अपना दम खम भर चुके हैं। साथियों, इस बार एक्चुअली यूपी बसपा का कब्जे में आ रहा है और बसपा का हाथी यहां मस्त चल रहा है, और ये पांजा और ये फूल नहीं रहेगा। साइकिल वाला यहां सुस्ती से बैठ चुका है, एंड इसीलिए हांडिया सीट बसपा का कब्जा से कोई छीनने वाले नहीं है, और बसपा यहां मजबूती का साथ अपना जीत घोषित करने की तैयारी कर चुका है। साथियों, ये वीडियो कैसे लगा आप लोग ये दोनों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हम लोग आपको नया नया जानकारी देते रहेंगे। चुनावी रणनीति के बारे में आप लोग हर कोई सीट के बारे में हम बताते रहे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।